के यहाँ पर खिलाड़ी अभी के लिए, ड्रीम्स अभी के लिए यहाँ पर साथ दे रहे हैं उनका, और सामने वो चैलेंज है ऐश टीम और जी का, और शायद मुझे अंदाजा भी नहीं है इसको, तो ट्रिगर डिसिप्लिन देखते हैं कितना देर का दिखा। लेकिन कैमिन जो आई थी चैलेंज देने टीम आईक्यू स्टोन को अभी के लिए घुटने टेकती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो एस पावर उनके साथ ही जो है मेरे ख्याल से अब लग रहा है बहुत ही जल्दी हमें पूरा कंफर्मेशन, लेकिन यहां से अभी के लिए पलटवार आता नजर आएगा, दो खिलाड़ी बैक टू बैक दो काउंट देखने को मिलेंगे। अब जोकर के ऊपर क्या रिवाइवल के लिए जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां से लग तो रहा है उस राह की तरफ बढ़ सकते हैं, वेनम को जरूर बुला रहे हैं, लेकिन ये जो पॉज टाइमर है यहाँ से टीम आईक्यू सोल रीसेट होते नजर आने वाली इस वीडियो रीसेट होंगी और जरूर होंगी। अल्टो जो कि एक टॉप फ्रैगर है, उन्होंने काफी अच्छा एफर्ट वहां दिखाया बट वो काफी नहीं था, टीम आईक्यू सोल वाइप आउट करेंगे कैमिली स्पोर्ट्स को। तो आपको अगर बेनिफिट चाहिए, आपको इनाम चाहिए, तो जाइए फटाफट से लिस्टों पे, आज के दिन पे हमारे ये प्रेडिक्शन खत्म होने वाला है, और फिलहाल के लिए फैंटम द्वारा तो आईक्यू सोल नकुल को नॉक कर दिया गया है, और अभी क्या नकुल का रिवाइवल हो पाएगा, चलिए अभी के लिए रॉनी है वहां पे मौजूद, रिवाइवल हो जाएगा, लेकिन केमिन ईस्पोर्ट्स का स्क्वाड भी यहां पे फ्लैंकिंग एंगल्स क्रिएट करता हुआ ताकि आईक्यू सोल के अगेंस्ट एक अच्छी खासी फाइट निकाल सके, लेकिन क्या आईक्यू सोल को अभी फाइट में एंगेज करना है, क्या अभी फाइट में जाना चाहते हैं, अब जाना ही पड़ेगा, जोकर को डाउन कर दिया गया है, केमिन ईस्पोर्ट्स फ्यूरी प्ले जोन से डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, जोकर का रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है, डेस्टिनी से गाय हुआ देयर जो रिवाइव कर सके, लेकिन उनको चाहिए कवर फायर, उनको चाहिए सपोर्ट, और आगे से केमिन ईस्पोर्ट्स का स्क्वाड धीरे धीरे आ रहा है, अभी बेशक जो नॉक था फ्यूरी का वो फिलहाल के लिए इनको टाइम देगा, लेकिन नकुल द्वारा आएगा फिर से नॉक, वन मोर गाय गेट्स टेकन डाउन, नकुल सीम्स लाइक ही इज ऑन एन ऑब्लिटरेशन मोड, पूरी टीम को डेसिमेट करने की कोशिश करेंगे, फैंटम इज स्टिल अराउंड द कॉर्नर, लेकिन वेनम को अभी अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करना है, दैट्स व्हाई ही इज गोना रीपोजिशन हिमसेल्फ, बट मुझे लगता है इस टाइम पे वेनम पीछे से प्रभाव डाल सकते थे, लेकिन अब टीम आईक्यू सोल जिनके ऊपर पुश आ रहा था अब वो पुश करेंगे, फैंटम सामने की तरफ स्प्रे करेंगे, फैंटम गेट्स टेकन डाउन एज वेल, नकुल सीम्स लाइक ही इज ऑन अ रोल, तीन नॉक निकाल चुके हैं, एक फ्रैग कंफर्म कर चुके हैं, तो एस पे पहुंचे फ्रंट डाउन हुए, गाड़ी को कवर में लगाया, एफएस की स्क्वाड भी पीछे से आएगी, स्क्वाड क्या एक प्लेयर जा पाएगा, कूद के उतरे, जॉकर को डाउन किया, वो पोजीशन उनसे छीनी, और डायनोसिस ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बट जली पाएंगे जी गॉड, सीक्रेट वो प्लेयर जो जी गॉड को कुचल के चले जाएंगे, इसी के साथ गॉड लाइक का खात्मा आठवें पादान पे। प्रिटेंड किया गया सामने टीम के द्वारा कि नहीं हम तो देखे नहीं हमने, लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़े एक फ्रैग अपने खाते में यहाँ पर ऐड जरूर करें और कोशिश कर रहे हैं पिस्टल अंदर आने ना ही दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ये ग्रेनेड काफी क्रूशियल रहेगा अभी के लिए। दो प्लेयर्स इनके साथ में आए और सोल की पावर ने यहाँ पे दो प्लेयर्स को डाउन किया और फिनिश भी बटोरेंगे। मैं तो खुश हूँ यहाँ पर, मैं तो अभी के लिए कोई हुई नहीं, मैं हुई नहीं सके, बट 369 देख लिया गया, उनको स्पॉट कर लिया गया, पावर ज्यादा वक्त देंगे नहीं, खत्म करते रह जाएंगे, लेकिन आप 79 भी बचा हुआ है और 79 शायद जैसी डार्क लॉर्ड के ऊपर फोकस फायर करते हैं पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती नजर आएगी, टॉप टू तक आ पाएंगे वो देखना अभी के लिए बाकी, बट हैदराबाद हाइट्रस अब फायदा उठाएंगे स्टेज का।